व्हाट इज स्काडा? एज आई टोल्ड अर्लियर दैट द फुल फॉर्म ऑफ स्काडा इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा? स्काडा, SCADA, दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ठीक है, ये दिख रहा है। इसमें अब दो टर्म आते हैं हमारे, एक कहलाता है सुपरवाइजरी कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा कहलाता है डेटा एक्विजिशन। तो अगर इन दोनों टर्म को समझते हो, ठीक है, इन दोनों टर्म को अगर समझ लोगे क्या चीज है, तो स्काडा बेसिकली क्या है, इसका बेसिक पर्पस क्या है, ये चीज इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल? कंट्रोल मीन्स कंट्रोलिंग एनी ऑपरेशन, एनी एक्टिविटीज इन द प्लांट, ठीक है, इन द इंडस्ट्रीज। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो मीनिंग ऑफ कंट्रोल इज टू कंट्रोल द प्रोसेस, टू कंट्रोल द एक्टिविटीज विच इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। एंड द टर्म सुपरवाइजरी कंट्रोल, इट मीन्स कंट्रोल ऑफ मेनी इंडिविजुअल कंट्रोलर्स और द कंट्रोल लूप सच एज विद इन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। किस तरह के ऑपरेशन होते हैं, जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। अगर थर्मल पावर प्लांट की ही बात करें सपोज, ठीक है, किस कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसमें, कोई बताओ? थर्मल पावर प्लांट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जनरली जो भी पता है वही बताओ। स्टार्टिंग में क्या होता है, कोल है, कोल को क्रश किया जाता है, फिर उसको बर्न किया जाता है, वहां से हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बॉयलर में सारा कुछ प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर वो उस हीट को हम लोग प्रोसेस करते हैं, कन्वे करते हैं, उसके साथ वाटर होता है, स्टीम भी जनरेट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैरी ओवर करते हैं और फिर वहां से हम लोग टर्बाइन को मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। रफली अगर कहा जाए तो यही हमारा प्रोसेस है। तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस है, बहुत सारे स्टेजेस हैं, तो हर स्टेज में प्रोसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है। कितने कोल को बर्न करना है, किस टेम्परेचर तक उसको हीट करना है, जो पाइपलाइंस में हमारा स्टीम फ्लो कर रहा है उसका कितना प्रेशर टेम्परेचर एक मेंटेन रखना है, ठीक है, टर्बाइन में जब इनपुट आ रहा है वो हमारा स्टीम जो कि मैकेनिकल एनर्जी देगा उस टर्बाइन को रोटेट करने के लिए, तो वो कितना मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कितने प्रेशर से आना चाहिए, ठीक है, सो दैट टर्बाइन हमारे एक जो क्रिटिकल स्पीड है उसको उस पर हमारा मूव कर सके, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो इन सारे प्रोसेस में, सारे स्टेज में क्या है, कंट्रोलिंग। इज इट क्लियर? यस सर। तो कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम, सो सुपरवाइजरी कंट्रोल इज ए जनरल टर्म फॉर कंट्रोल ऑफ मेनी इंडिविजुअल कंट्रोलर्स, ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल कंट्रोलर्स होंगे हर एक स्टेज में, तो उन सभी कंट्रोलर्स को जो कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सुपरवाइजरी कंट्रोल। ओके,
विद इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। एक पूरा का पूरा एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होगा जो डिफरेंट स्टेजेस में हो रहा है, ठीक है। सो सुपरवाइजरी कंट्रोल इज ए जनरल टर्म फॉर कंट्रोल ऑफ मेनी इंडिविजुअल कंट्रोलर्स और कंट्रोल लूप्स, ठीक है। इंडिविजुअल कंट्रोलर होंगे, उसके डिफरेंट कंट्रोल लूप होंगे, तो उन सभी को कंट्रोल करने का एक जो कह सकते हो एक मास्टर लेवल पर या एक हायर लेवल पर जो कंट्रोलिंग होगा, जो कि उसके नीचे जितने भी डिफरेंट स्टेजेस होंगे उन सबको कंट्रोल कर रहा है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सुपरवाइजरी कंट्रोल, ओके। सो इट रेफर्स टू अ हाई लेवल ऑफ ओवरऑल मॉनिटरिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस कंट्रोलर्स एंड अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशन बिटवीन कंट्रोलर्स, ठीक है। जितने भी डिफरेंट स्टेजेस में कंट्रोलर्स है उन सबको कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, एज वेल एज इन सबके बीच में एक इंटीग्रेट कर रहा है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। सो सुपरवाइज कर रहा है बेसिकली सारे कंट्रोल्स को, ओके। सो सुपरवाइजरी कंट्रोल का मतलब समझ में आ गया। नाउ कम टू द सेकेंड टर्म, दैट इज डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन वर्ड्स पहले सुने हो कभी इस वर्ड के बारे में? एनालॉग तो सुने हो ना? सो डेटा एक्विजिशन में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेटा एक्विजिशन? दैट इज द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग सिग्नल्स दैट मेजर रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशन एंड कन्वर्टिंग द रिजल्टिंग सैंपल्स इनटू डिजिटल न्यूमेरिक वैल्यूज दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय अ कंप्यूटर, ओके। क्या कहने का मतलब हुआ? दैट मीन्स डेटा इक्वेशन कहने का मतलब हुआ इट इज अ प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग सिग्नल, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको सैंपल्स कर रहे हैं, ठीक है। सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, किस सिग्नल की बात कर रही है? द सिग्नल विच इज मेजर्ड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशन। रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशन कहने का क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा सराउंडिंग्स में है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, इन सबको वो मेजर किया, या नॉइज, तो जो भी सिग्नल्स है उसको वो मेजर करेगा एंड देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू सैंपल्स, ओके। देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू सैंपल्स। तो डेटा इक्वेशन में पहले सबसे पहला काम क्या हुआ कि वो मेजर करेगा फिजिकल जो भी पैरामीटर्स है, फिर उस पैरामीटर को मेजर करने के बाद उसको कन्वर्ट करेगा वो डिजिटल न्यूमेरिक वैल्यूज में। बाय इट विल कन्वर्ट इनटू डिजिटल न्यूमेरिक वैल्यूज बिकॉज हमारे पास जो भी सिस्टम है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, वो अंडरस्टूड किसको करेगा, किसको समझता है वो लैंग्वेज जो हमारे डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है टेम्परेचर प्रेशर, उसको वो मेजर नहीं करके उसको वो कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, सो दैट द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड द डिजिटल न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज डन बाई the help of data acquisition system, okay, and for this process we are using sensors. The role of sensor is to convert the physical parameter to electrical signal, ठीक है, जो भी physical parameter उसको electrical signal में convert किया ये sensor, then we will use the signal conditioning circuitry. This will convert the sensor signal into a form that can be converted into digital values, and then we will use the analog to digital converter. Okay,
ADC, and that will convert the conditions sensor signal into digital values. ठीक है, तो physical parameters जो भी हमारा था ये convert हो जाएगा हमारा digital values. ठीक है, ये तीन stages में. That is the complete process of data acquisition. Okay, detail में तुम लोग इसके बारे में I think पढ़े हो. Okay, ये block diagram में याद आ रहा है, कभी देखे हो इस चीज को, data acquisition के बारे में पढ़े थे तो. Anyone of you? Yes, sir. ये हमारा क्या है, फिजिकल सिग्नल. ठीक है, सपोज ये टेम्परेचर का हमारा पैरामीटर है, इसका फिजिकल सिस्टम, इसको वो ट्रांसड्यूसर सेंसर्स के थ्रू ये हमारा कन्वर्ट किया, देन सिग्नल कंडीशनिंग, देन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू डिजिटल पैरामीटर्स, सो दैट कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड द डिजिटल वैल्यूज एंड अकॉर्डिंगली इट विल एक्ट. कंप्यूटर को डिजिटल वैल्यूज मिलेगा तभी तो फिर आगे कंट्रोल का प्रोसेस करेगा, क्या कंट्रोल करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है. ठीक है ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है डेटा एक्विजिशन का. डेटा एक्विजिशन की एक्यूरेसी ये पूरे कंट्रोलिंग को डिसाइड करती है. किसी भी प्लांट के अगर कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे थे ना सुपरवाइजरी कंट्रोल, डिफरेंट स्टेजेस में इंडिविजुअल कंट्रोलर्स होते हैं, तो ये जो इंडिविजुअल कंट्रोलर्स है ये सारे जो है ये डेटा एक्विजिशन सिस्टम पर ही बेस्ड है. अगर ये कितना टेम्परेचर है इसका कन्वर्सन ये डिजिटल वैल्यू में सही तरीके से नहीं हो पाया, दैट मीन्स यहाँ डेटा कुछ और है और ये हमारा कंप्यूटर को कुछ और डेटा मिल रहा है, कन्वर्सन सही तरीके से नहीं हो पाया. सो अकॉर्डिंगली ये जो कंट्रोल एक्शन जनरेट करेगा कंप्यूटर हमारा वो भी डिफरेंट होगा जो होना चाहिए था हमारे रिक्वायरमेंट. ठीक है, सो दिस डेटा इक्वेशन सिस्टम प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन दिस कंप्लीट स्काडा सिस्टम, और यू कैन से इन कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, तो डेटा इक्वेशन एप्लीकेशंस जो भी हमारा होता है वो बेसिकली जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली, ठीक है, उसी पर बेस्ड होते हैं. बेसिक सी, सी प्लस प्लस, लैबव्यू, जावा, फोर्ट्रान, जो भी होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इक्वेशन सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है और वो हर एक मैन्युफैक्चरर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द पैरामीटर्स, वो सब डिजाइन होते हैं. सो दैट यू विल लर्न लेटर ऑन इन द अदर सब्जेक्ट्स. ओके, बट आई थिंक now you understand that what is the meaning of this SCADA, supervisory control and data acquisition. Ab ye clear hai? Yes sir. Supervisory control samajh gaye, data acquisition samajh gaye. Ab in dono ko agar summarize kare hum, combined karke, to SCADA ko kaise hum log define karenge? SCADA is a system of software and hardware elements. Okay, why we are calling it a combination of software and hardware elements? Kyunki yahan par hamara hardware kaun sa use ho raha hai, jo hum log sensors use kar rahe hain, theek hai, parameters ko measure karne ke liye physical data ko electrical data mein convert kiya with the help of the sensors. So that is a hardware element, and then we are sending it to the digital form. We are converting it into the digital form. Okay, और फिर वहाँ जो हमारा basic programming language है उसको हम लोग use कर रहे हैं. ठीक है, that is why it is written here. SCADA is a system of software and hardware element that allow industrial organization to control industrial processes locally or at remote location. ध्यान से देखो, स्विच को कहने का क्या मतलब है? It is a system of software and hardware elements
that allow industrial organizations, ठीक है, क्या allow कर रहा है, to control the industrial process locally or at remote location. जो भी industrial process है उसको locally या remote location से उसको control किया जा सकता है, ठीक है, या तो जिस स्टेज में हो रहा है वहां जाकर के लोकली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या कहीं दूसरे जगह दूर से भी हम लोग रिमोट लोकेशन से भी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा एक हमारा स्काडा सिस्टम का समझो कि ये इसका मेन पर्पस है एक तरह से, ठीक है. स्काडा इज वन ऑफ द सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर डेटा एक्विजिशन, मॉनिटरिंग एंड द कंट्रोल सिस्टम, ठीक है. तीन इसके मेन कह सकते हो कि तीन मेन फंक्शन है. स्काडा इज वन ऑफ द सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर डेटा एक्विजिशन, मॉनिटर एंड कंट्रोल सिस्टम कवरिंग लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज. इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एक्विजिशन एंड टेलीमेट्री. टेलीमेट्री क्या होता है? टेलीमेट्री किसी को आइडिया है? टेलीकम्युनिकेशन के बारे में सुने हम लोग? जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमारा टेलीफोनिकली हो रहा है, ठीक है. या एक हमारा कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में हमारा क्या होता है, जो भी कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है एक कम्युनिकेशन लाइन होगा उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं डेटा को एक एंड से दूसरे एंड पर, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा. सो स्काडा सिस्टम आर मेनली यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन इक्विपमेंट और अ प्लांट इन सेवरल इंडस्ट्रीज. किस तरह के इंडस्ट्रीज में इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल? लाइक पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रल पावर प्लांट, जो भी हो, ऑयल इंडस्ट्रीज, गैस रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज, वाटर एंड वेस्ट कंट्रोल, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशंस. तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज है, ठीक है, सब जगह इसका यूज होता है स्काडा सिस्टम. किसी ने कहीं अगर विजिट किया हो तो इस स्काडा सिस्टम को देखा है? एनी वन ऑफ यू स्काडा सिस्टम कहीं इंप्लीमेंट हुआ हो किसी इंडस्ट्रीज में, अगर कहीं गए हो कभी देखा है किसी ने? ओके, कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो जरूर देखना, या नेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारे इमेजेस दिखेंगे. हो सकता है कि शायद देख करके याद आ जाए कि ये तो देखा हुआ है इंडस्ट्रीज में. दैट इज द स्काडा सिस्टम. ओके, कुछ डायग्राम्स अभी हम भी दिखाएंगे जैसे जैसे आगे इसके बारे में डिटेल देखेंगे. ओके, सो स्काडा सिस्टम जो हमारा है इसमें बेसिकली क्या है, तीन स्टेज में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. तीन स्टेज क्या क्या है? एक स्टेज जो कि ये फिजिकल पैरामीटर्स को मेजर कर रहा है, ठीक है. फिजिकल पैरामीटर को हम लोग मेजर करेंगे जो भी है, ये एक स्टेज होगा. कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, डेटा एक्विजिशन हमारा जो भी है. उसके बाद क्या करेंगे? उस पैरामीटर को मेजर करने के बाद हम लोग उसको कम्युनिकेट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे. ट्रांसमिट कहाँ करेंगे? ट्रांसमिट हम लोग करेंगे एक हमारा जो मास्टर यूनिट होगा, या एक हमारा कह सकते हो कि जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट होगा, जो सेंट्रल यूनिट, ठीक है, वहां पर उस डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है. और फिर जब वो प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंचेगा वो डेटा, so that we can decide that which type of the control action we need to initiate. Okay, so इसको basically हम लोग तीन स्टेज में डिवाइड कर रहे हैं.
यह इस डायग्राम में अगर देख रहे हो तो ये हमारा क्या है, रिमोट टर्मिनल यूनिट RTU, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट। ये हमारा क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है जो भी फिजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। देन ये सारे पैरामीटर्स को इस कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू सेंड कर रहा है एक हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो, जिसको कह सकते हैं या मास्टर कंट्रोल यूनिट हमारा जो होगा, और फिर यहां से ये इसको ये भेज रहा है, हमारे यहाँ डिस्प्ले होगा एक सिस्टम में, और जो डेटा अवेलेबल यहाँ पर होगा उसके बेसिस पर यहाँ पर जो एक्शन लेना है कंट्रोल एक्शन, वो चीज डिसाइड होगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली कंट्रोल एक्शन विल बी इनिशिएटेड। ओके, सो दिस कंप्लीट स्काडा सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, दैट इज व्हाट शोन हियर। ये हमारा रिमोट सब स्टेशन, ये एक स्टेज हो गया, स्टेज 1 कह सकते हो, ये हमारा स्टेज 2 और ये स्टेज 3। ओके, स्टेज 1 में क्या हो रहा है हमारा, RTU, दिस इज स्टेज 1 में हमारा मेन रोल है RTU का, रिमोट टर्मिनल यूनिट। ओके, क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। देन स्टेज 2, इट इज बेसिकली द कम्युनिकेशन लिंक, जो यहाँ पर डेटा सेंस हुआ विद द हेल्प ऑफ द एक्चुएटर्स और द सेंसर्स, ठीक है, उसको वो कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू सेंड किया, ठीक है, देख रहे, ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिकल्स, डायल अप लीज्ड लाइन, या फिर रेडियो माइक्रोवेव स्पेड स्पेक्ट्रम, सो देर आर डिफरेंट ways to communicate the data from one end to another end, ठीक है, data को यहां से transmit किए, communicate किए, और फिर ये हमारे third stage में आ जाता है हमारा master control unit, ठीक है, control center में, या इसको हम लोग SCADA master station भी कह रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हमारा control action यहां से generate होगा। So these are the 3 major stages in SCADA. अभी तक क्लियर है? Any doubt? No, sir. Okay. So, अब हम लोग देखते हैं इसको जो 3 स्टेजेस है उसका बेसिक फंक्शन क्या है, ठीक है, तीनों स्टेज में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखते हैं। पहला क्या था हमारा, रिमोट टर्मिनल यूनिट RTU, सो दिस इज द मेन कंपोनेंट इन द स्काडा सिस्टम एंड इट इज अ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। RTU क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एंड दैट इंटरफेस द ऑब्जेक्ट्स इन द फिजिकल वर्ल्ड टू स्काडा सिस्टम बाय ट्रांसमिटिंग डेटा टू मास्टर सिस्टम। ठीक है, RTU हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द वेरियस सेंसर्स, जो भी सेंसर्स है जो कि फिजिकल पैरामीटर्स को मेजर कर रहे हैं उसके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, and also it has the direct connection with the meters and the actuators associated with a control environment, matlab physical parameters ko measure karne ke liye jo bhi hum log use kar rahe equipments uske sath iska direct connection hai RTU ka, so these will sense the physical parameters and the same will be ट्रांसफर्ड कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ RTU, ठीक है, सो
you can say that these RTU are nothing but the real time programmable logic controller. You can say that it is a real time PLC, okay, which is responsible for converting the remote station information into digital form. Okay. तो एक तरह से जो हम लोग बात कर रहे थे डेटा एक्विजिशन के, तो ये आरटीयू जो है ये हमारा डेटा एक्विजिशन का ही काम कर रहा है. रिमोट टर्मिनल यूनिट इसको हम लोग नाम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हमारा फिजिकल पैरामीटर्स जिसकी बात कर रहे हैं दैट विल बी लोकेटेड एट रिमोट लोकेशन. तो वहां से हम लोग पैरामीटर्स को फेच कर रहे हैं, फिजिकल पैरामीटर्स को, और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इसका रोल समझ में आ गया आरटीयू का. अब ये जो डेटा है जो डिजिटल फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हुआ उसको आरटीयू क्या किया, इट कन्वर्ट द रिमोट स्टेशन इंफॉर्मेशन जो भी फिजिकल इंफॉर्मेशन इनटू द डिजिटल फॉर्म. एंड नाउ दिस डिजिटल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड, इज ट्रांसमिटेड through this communication system. Okay, ये communication हम लोग कैसे कर सकते हैं, either with the help of the cables, radio, telephone, satellites, ठीक है, LAN wiring होता है, या फिर हमारा एक हमारा wireless area network होता है WAN, ठीक है, local area networks, उसके through भी हम लोग कर सकते हैं. So there are various way to transmit the digital data from one end to another end. ठीक है, तो ये हमारा communication system. अब ये जो communication system के through हमारा जो digital data transmit हो गया एक end से दूसरे end पर, और ये transmit होकर के कहाँ आया, हमारा जो master terminal unit है यहाँ पर आया. ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रल होस्ट सर्वर भी कह सकते हैं, या नॉर्मली यू कैन आल्सो कॉल इट एज सर्वर. ओके, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज मास्टर टर्मिनल यूनिट, बिकॉज ऑल द कंट्रोल एक्शंस विल बी इनिशिएटेड बेस्ड ऑन द डेटा व्हिच इज रिसीव्ड टू द सर्वर, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉल इट एज मास्टर टर्मिनल यूनिट. ठीक है, इसको हम लोग स्काडा सेंटर भी कहते हैं. बेसिकली इट कम्युनिकेट्स विथ सेवरल आरटीयू, जितने भी आरटीयू है उस सबके साथ ये कम्युनिकेट करता है और डेटा को फेच करता है, जो भी रिमोट लोकेशंस के डेटा है उन सबको फेच करके ये अपने पास एक जगह डेटा को अपने सर्वर में स्टोर करता है, और ये सारे डेटा जो है एक लार्ज स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होता है. ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस प्लांट में जो डिफरेंट लोकेशंस है वहां पर क्या क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं, वो सारे पैरामीटर्स जो है एक स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है जो और इसके सर्वर में स्टोर होता है. बेस्ड ऑन द डेटा विच इज अवेलेबल इन द सर्वर विच यू कैन सी ऑन द लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन ऑल्सो, द कंट्रोल एक्शन इज डिसाइडेड. ओके, इसी के आधार पर किस तरह का कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कौन से सेक्शन को, वो सारा चीज यहीं से डिसाइड होता है हमारा मास्टर टर्मिनल यूनिट, दैट इज द स्काडा सेंटर. ओके, या कंट्रोल करने के साथ साथ कहीं अगर हमारा सपोज प्रेशर कहीं ज्यादा हो जाए किसी पाइपलाइन में, है तो एक अलार्म भी जनरेट कर सकता है. ठीक है, वो भी एक प्रोविजन किया हुआ रहता है कि प्रेशर जो है सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गया, सो वी नीड टू कंट्रोल इट either manually or automatically. Okay, so एक alarm generate होता है. So all such processes or all such provisions that are made with the help of this SCADA system. किसी भी plant में देख लो सभी जगह ये SCADA system implement किया हुआ है for smooth monitoring and control purpose.
The same is shown in this diagram. Okay, जो sensors and actuators हैं, they will sense the physical parameters and through RTU, it will be communicated. It will be converted into digital form and then it will be communicated through communication network and stored in the server. That is the SCADA.